अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम बात कर रहे हैं लीगल केसेस की। ठीक है, देखो यार एक चीज़ को समझो, हमारे मुल्क में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकी। ठीक है, हमारे मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम नाफिज सही तरह से नहीं हो सका। हम इसमें अक्सर बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, जिसमें हम प्राइमरीली फोकस करते हैं हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी। ठीक है, लेकिन हम अक्सर कोर्ट्स का जो रोल है वो हम डिफाइन नहीं करते, वो हम बात नहीं करते कि जो कोर्ट्स का रोल है वो बहुत क्वेश्चनेबल रहा है। हमारी जो अदलिया है इन्होंने ऐसे डिसीजंस दिए हैं जिन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको वो केसेस पढ़ाऊँ ताकि आपको उसका आइडिया हो कि हमारी अदलिया का कैसा रोल रहा है पास्ट में। आजकल हमारी अदलिया बहुत असर्ट कर रही है खुद को, ठीक है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। पास्ट में हमारी अदलिया ने बहुत क्वेश्चनेबल वर्डिक्ट्स दिए हैं, ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे वर्डिक्ट्स दिए हैं। हालांकि जो अदलिया होती है उसका काम होता है हक और सच को देकर अपना डिसीजन देना, वर्डिक्ट देना, लेकिन हमारी अदलिया ने पास्ट में बहुत से टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपने फैसले दिए हैं, वर्डिक्ट्स दिए हैं। और ये जो सारा कुछ स्टार्ट हुआ है इसकी बेसिस ये केस है, तमीज़ुद्दीन केस। ठीक है, इसने बेसिकली ये स्टार्ट किया, हमारी अदलिया को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसीजंस दे। ठीक है, सो ये फर्स्ट केस है। मेरी कोशिश होगी कि वक्तन फवक्तन आपको बाकी जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं जैसे यूसुफ पटेल केस, नुसरत भुट्टो केस, वो सारे केसेस भी आपको पढ़ाऊँ, मगर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल केस है एक। ठीक है, तमीज़ुद्दीन केस का। अगर इस टाइम पे अदलिया ने एक सही डिसीजन दे दिया होता, टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना दिया होता डिसीजन, तो शायद हमारे मुल्क में मार्शल लॉ ना लगता, शायद हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1950s में थी वो ना होती। ठीक है, तो शायद आज हमारा मुल्क कहीं और होता। सही है, तो ये इसलिए ये जो ये केस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। आज स्टार्ट करते हैं इस केस को समझने के लिए, थोड़ा सा एक हिस्ट्री समझ लेना यार। देखो, पाकिस्तान बना था 1947 में। उस टाइम पे पाकिस्तान के पास कोई आईन नहीं था कि जिसके थ्रू पाकिस्तान को चलाया जा सके। तो क्या किया हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ अमेंडमेंट्स करके और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कुछ अमेंडमेंट्स करके हमने जो है एक टेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जिसके तहत हमने मुल्क को चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, और साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई, उसको हमने दो काम दिए। एक फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका प्राइमरीली काम था कि पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और सेकेंडली एक्ट एज अ लेजिस्लेचर। ठीक है, कि पाकिस्तान के लिए कानून साजी भी करे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो नेशनल असेंबली है ये एज ए लेजिस्लेचर काम करती है, जो हमारी नेशनल असेंबली है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो नेशनल असेंबली है ये कानून साजी करती है। ठीक है ना, हमारे मुल्क में कानून बनाती है। कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी बड़ी डेवलपमेंट होती है, तो उसके लिए जो भी कानून साजी होती है वो हमारी नेशनल असेंबली की तरफ से होती है। ठीक है, तो ये रोल होता है नेशनल असेंबली का। तो उस टाइम पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसको दो रोल्स दिए गए थे, एक कि वो कानून साजी करे, दूसरा कि वो पाकिस्तान के लिए कानून आइन बनाए। ठीक है, अब होता क्या है, 1953 आ जाता है। इसी दौरान जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अभी भी काम कर रही है आपके मुल्क का आइन बनाने में। सही है, अब 1953 में हमारे मुल्क के गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद। गवर्नर जनरल जो उस टाइम पे थे वो आज के प्रेसिडेंट के इक्वल बनते हैं। ठीक है, सो मलिक गुलाम मोहम्मद वाज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और साथ जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे। अब होता यह है कि इन दोनों के दरमियान कुछ मसले हो जाते हैं। ठीक है, तो मलिक गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मलिक ख्वाजा उन्होंने सॉरी पीएम ख्वाजा निज़ामुद्दीन की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। अब ये उनके पास पावर कहाँ से आई थी, ये बेसिकली पावर थी आर्टिकल 10 में मैंशनड। ठीक है, आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ने एम्पावर किया हुआ था गवर्नर जनरल को कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। और इसी बेसिस पे मलिक गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस कर दिया ख्वाजा निज़ामुद्दीन को। ठीक है,
अब इसके बाद क्या हुआ कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने जब पीएम को डिसमिस कर दिया इनको, तो एक नया पीएम उन्होंने बनाया मुल्क का, उनका नाम था मोहम्मद अली बोगड़ा। लेकिन अब जो मोहम्मद अली बोगड़ा था ये काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे थे, ठीक है। इनको इस चीज़ का आइडिया था कि जो मेरी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तब तक गवर्नमेंट में मैं हूँगा, मैं रहूँगा जब तक मुझसे मेरा प्रेसिडेंट या फिर जो गवर्नर जनरल है वो राज़ी है, वो खुश है, बिकॉज ही हैज़ एन एब्सोल्यूट पावर, वो जब चाहे मेरी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है, ठीक है, या फिर वो जब चाहे मुझे डिसमिस कर सकता है। सो इसलिए ही वॉज़ वेरी अप्रिहेंसिव ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे मोहम्मद अली बोगड़ा, वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर, मतलब आप समझ लो क्रिटिकल थे इस चीज़ से। सो व्हाट ही डिड बेसिकली, उन्होंने कोशिश की कि मैं गवर्नर जनरल की पावर्स को कम करूँ। इसके लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट लेकर आए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। उस अमेंडमेंट में क्या था, उस अमेंडमेंट में बेसिकली दो चीज़ें थी। नंबर वन कि उन्होंने आर्टिकल 10 को रिपील कर दिया, जिस आर्टिकल 10 के तहत जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया था, उन्होंने उस आर्टिकल को ही रिपील कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने गवर्नर जनरल से वो पावर छीन ली जिसके तहत वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते थे। सो ये पॉइंट नंबर वन था, इस ये अमेंडमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। दूसरा अमेंडमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या था कि अमेंडमेंट ने जो कोर्ट्स थी उनकी ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ा दी थी, ठीक है, इस अमेंडमेंट ने कोर्ट्स की दायरा कार बढ़ा दिया था, ठीक है। तो दो चीज़ें थी इस अमेंडमेंट में, याद रखनी है ये बात, एक आर्टिकल 10 को रिपील कर दिया, दैट मीन्स के गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी उनको कम कर दिया। पॉइंट नंबर टू, उन्होंने कोर्ट्स का ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ा दिया, ठीक है, कोर्ट्स का दायरा कार जो था वो बढ़ा दिया। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, जब ये अमेंडमेंट लेकर आए हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इस पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने रिएक्ट किया, उनको लगा कि यार ये मेरे खिलाफ़ साजिश हो रही है या मेरी पावर्स को कम कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसके दो काम थे, लेजिस्लेशन करना और मुल्क के लिए आइन बनाना, उन्होंने इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, ऑन 24 अक्टूबर 1954, सही है। और साथ साथ जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपनी एक काउंसिल भी बना ली। अब काउंसिल बनाने से मतलब ये है मेरा, जैसे हमारा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, इनकी एक कैबिनेट होती है, तो इसी तरह से उस टाइम पे गवर्नर जनरल ने अपनी एक काउंसिल बना दी थी, ठीक है। और उस काउंसिल में जो उनके फेवरेट लोग थे, लाइक माइंडेड लोग थे गवर्नर जनरल के, उन्होंने उस काउंसिल में उन लोगों को मौका दिया, ठीक है। अब ये पूरा हिस्ट्री है, पूरी बैकग्राउंड है इस चीज़ की। आई होप आपको ये पूरा हिस्ट्री समझ आ गया होगा यहाँ तक। और यहाँ तक आपने मौलवी तमीज़ुद्दीन का नाम भी नहीं सुना, ठीक है। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इस पूरे केस में, उनका रोल अब शुरू होता है। तो बेसिकली गवर्नर जनरल ने क्या किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, ऐसा ही है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया गया तो मौलवी तमीज़ुद्दीन की प्रेसिडेंटशिप भी चली गई, ठीक है। तो इस वजह से फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने इस पूरे स्टेप को जो गवर्नर जनरल ने लिया था, इसको चैलेंज कर दिया सिंध कोर्ट में, ठीक है। और उन्होंने वहां पर दो रिट्स फाइल की थी, एक रिट मैंडेमस, दूसरी कोवरंटो। मैंडेमस में ये कहा गया, रिट में सिंध हाई कोर्ट को ये कहा मौलवी तमीज़ुद्दीन ने कि आप फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करें कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें इंटरफेयर ना करें, ठीक है। दूसरा, कोवरंटो में उन्होंने मैंडेट के बारे में पूछा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछा कि यार किस मैंडेट के तहत न्यू काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जिसकी बेस पर जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहिब थे उन्होंने सिंध कोर्ट में अपना केस फाइल किया, इन दो रिट्स की बुनियाद पे, ठीक है। अब इसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि देखो यार, जितने भी लॉज हैं ना, जितनी भी बिल, कुछ भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास होगी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी लॉ, कोई भी बिल पास करेगी, तो वो तब तक लॉ नहीं बनेगा, तब तक बिल नहीं बनेगा जब तक उस पर गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल हैं उसकी असेंट ना हो। असेंट से मतलब समझ लो उसकी सिग्नेचर ना हो,
ठीक है, कोई एक बिल रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उस पर डिबेट होगी, ठीक है, उसके बाद वो बिल जाएगा गवर्नर जनरल के पास, और अगर गवर्नर जनरल उस पर असेंट दे देगा अपनी, तो वो बिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात की गवर्नमेंट ने बोला कि जो गवर्नर जनरल है उसको एब्सोल्यूट पावर है असेंट की, कि उसको पावर दी गई है गवर्नर जनरल को कि वो असेंट देगा अपनी तो ही बिल बनेगा। अब चूंकि जो ये अमेंडमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1954, ये अमेंडमेंट पास किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, लेकिन इस अमेंडमेंट पे गवर्नर जनरल की असेंट या फिर उसके सिग्नेचर्स नहीं हैं, तो इसलिए ये अमेंडमेंट नल एंड वॉइड है, और इसलिए इसके तहत जो रिट पटिशन जो दायरा कार बढ़ाया गया है हुकूमत कोर्ट्स का, वो भी नल एंड वॉइड है, समझ रहे हो। तो ये बात की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस पूरे एक्ट पर गवर्नर जनरल की असेंट नहीं है, तो इसलिए ये एक्ट नल एंड वॉइड है, और इस एक्ट के अंदर जो ये कोर्ट्स को दायरा कार उनका बढ़ाया गया है, ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ाई गई है, ये भी नल एंड वॉइड है कोर्ट्स, इसलिए ये हमारा केस नहीं सुन सकती, ठीक है। ये बात ये रिप्लाई किया गवर्नमेंट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन की पिटिशन के रिप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है उस टाइम पे। देखो जितने भी लॉज जितने भी अमेंडमेंट्स 1947 से लेकर 1954 तक पास की गई थी पाकिस्तान में, उस किसी सॉरी जितने भी अमेंडमेंट्स लॉज पास किए गए थे 1947 से लेकर 1954 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, उस पर किसी पर भी गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी, सही है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन, ये एक कन्वेंशन समझ लो, या एक ट्रेडिशन समझा जाता था कि यार बस ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक चीज़ पास कर दी है, एक बिल पास कर दिया, तो वो बस बिल है, ठीक है, एक बिल टेबल हुआ है उसको पास कर दिया तो वो लॉ बन गया है, वो बस ये बात कन्फर्म कर देते थे वो, ठीक है। तो इसलिए ये कन्वेंशन थी, तो इसलिए कभी इस चीज़ पे फोकस किया ही नहीं किया, गौर किया ही नहीं गया कि भाई गवर्नर जनरल की असेंट भी चाहिए, ऑल्दो इट वॉज रिक्वायर्ड, लेकिन कभी ऐसा किया नहीं गया था, ठीक है। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो इस पे सिंध चीफ कोर्ट का क्या डिसीजन आया इस पूरे मसले पे, ठीक है। तो सिंध चीफ कोर्ट जो थी, जो सिंध हाई कोर्ट थी, उन्होंने बेसिकली डिसीजन दिया मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर में, ठीक है, एक यूनानिमस डिसीजन था जो मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर में आया, और जो गवर्नमेंट की ऑब्जेक्शन थी अगेंस्ट आर्टिकल 223A और 10, उसको ओवर रूल कर दिया गया, ठीक है, कि जो दो अमेंडमेंट्स जो अमेंडमेंट के अंदर दो दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे, आर्टिकल 10 को रिवील करना और कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को कम करना, उसको ओवर रूल कर दिया गया, जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस थी उसको ओवर रूल कर दिया गया। गवर्नमेंट की ऑब्जेक्शन थी कि भाई ये दोनों नल एंड वॉइड हैं, क्योंकि एक्ट जो अमेंडमेंट है वो नल एंड वॉइड है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, ठीक है। साथ सिंध हाई कोर्ट ने जो जो अमेंडमेंट थी वो उसको वैलिडेट भी कर दिया, ठीक है। साथ साथ उन्होंने बस ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आपने डिसॉल्व किया है वो गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई इसलिए गई है कि वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है वो गलत है। अब जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगी उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन या जो प्राइमरीली फंक्शन था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही था। और हाँ, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करना है, ख़त्म करना है, तो आप जो हो वो कैसे करोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी ये बात कहेगी तो ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। साथ साथ सिंध हाई कोर्ट ने ये भी है कहा कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास कोई एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, नो एब्सोल्यूट पावर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट पावर से मतलब है कि आप साइन कर दो तो ही कोई चीज़ होगी, वरना नहीं होगी, मतलब किसी भी एक बंदे के पास फुल पावर आ जाना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर। तो गवर्नर जनरल के पास फुल एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, ये बात की सिंध हाई कोर्ट ने, ठीक है। और दूसरा बात उन्होंने ये भी कही सिंध हाई कोर्ट ने कि जो जहाँ तक आपकी एसेंट की बात है, एसेंट ज़रूरी है, लेकिन तब जब कुछ ऐसा मामला आ जाए, जब कोई ऐसे मामलात आ जाए जहाँ पर ज़रूरत हो आपके एसेंट की, जहाँ पर आपके एसेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो अपने लॉ मेकिंग कर सकती है, ठीक है। सो ये बेसिकली हेल्ड किया था सिंध हाई कोर्ट ने।
अब यहाँ पर केस ख़त्म नहीं हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ले गई इस केस को फेडरल कोर्ट में, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट इस केस को ले गई फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट आज की आपकी बनती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट या जो उस टाइम पे अपेक्स कोर्ट थी, फेडरल कोर्ट थी, उसने डिसीजन दिया टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पे। उसने कहा, अच्छा जो वहाँ पे डिसीजन आया था वो बेसिकली आया था 4-1, यानी कि 4 लोगों ने फैसला टेक्निकल ग्राउंड्स पे दिया, ठीक है, और एक बंदे ने जो फैसला है वो इन 4 लोगों के अगेंस्ट दिया। ये इन 4 लोगों ने फैसला दिया गवर्नमेंट के हक में, और इस एक बंदे ने इख्तलाफी नोट लिखा था जिसे हम कहते हैं डिसेंटिंग नोट, ठीक है। तो इन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा था, जस्टिस कॉर्नियल्स जो थे उन्होंने लिखा था डिसेंटिंग नोट्स, बाकी इन 4 लोगों ने फैसला हक में दिया था गवर्नर जनरल के। अब वो क्या हुआ बात, यहाँ पे फैसला क्या दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फेडरल कोर्ट डिड नॉट गो इन टू द क्वेश्चन वेदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज राइटली डिजॉल्व और नॉट, ठीक है, कि फेडरल कोर्ट जो थी वो इस क्वेश्चन में गई ही नहीं, उन्होंने इस चीज़ पे बात की ही नहीं कि यार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हमारी वो सही डिजॉल्व हुई है या नहीं हुई, ठीक है। उन्होंने इस तरह ना बात की ना कुछ केस सुना। उन्होंने अपना डिसीजन क्या दिया कि भाई जो कुछ भी होना है, जितने भी लॉज पास होने हैं, जितना भी कार्रवाई होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस पर आपके गवर्नर जनरल की असेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्योंकि इस अमेंडमेंट पर असेंट नहीं थी गवर्नर जनरल की, तो इसलिए ये अमेंडमेंट जो है वो नल एंड वॉइड है। दिस अमेंडमेंट इज नल एंड वॉइड बिकॉज दी अमेंडमेंट्स आर नॉट रेटिफाइड। रेटिफाई समझना, इसको ये समझ लो कि बस इस पे गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी। तो ये डिसीजन दिया अपेक्स कोर्ट ने कि फेडरल जो सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अमेंडमेंट पास की थी उस पर गवर्नर जनरल की असेंट नहीं है, दैट इज़ वाई दिस होल थिंग इज दिस होल अमेंडमेंट इज नल एंड वॉइड। और साथ साथ जो फेडरल कोर्ट थी इसने सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन भी नल एंड वॉइड करार दे दिया, सही है। तो इससे नुकसान क्या हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि एक जो गवर्नर जनरल को जो उन्होंने एक गलत स्टेप लिया था गवर्नर जनरल ने, उसको वैलिडेशन मिल गई, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निकल डिसीजन के असेंट नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। ऑल्दो जो एक ट्रेडिशनल वे चलता आ रहा था उसमें किसी भी एक्ट किसी भी लॉ पर असेंट कभी ली ही नहीं गई, इसके बावजूद ये हुआ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब इसका नतीजा क्या हुआ, देखो इसका नतीजा ये हुआ कि अब मैंने आपको बताया था 1947 से लेकर 1954 तक जितने भी लॉज जितने भी एक्ट्स पास किए गए किसी पे गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी, ठीक है। तो वो सारे लॉज पे असेंट नहीं थी मतलब वो सारे लॉज अब नल एंड वॉइड हो गए, ठीक है। तो इससे मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया था, एक आइनी बहरान पैदा हो गया था, ठीक है, इस अदलिया के इस फैसले की वजह से। दूसरा, इस टेक्निकल डिसीजन ने एक वैलिडेशन दे दी आपके गवर्नर जनरल को कि वो अब उसने गलत स्टेप भी लिया लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व भी रही, ठीक है। मतलब उन्होंने एक गलत स्टेप ले लिया उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जो उसके मेंबर्स थे वो कुछ नहीं कर सके, ठीक है। तो इसने इम्बोल्डन कर दिया था आप, इसने एक एक किस्म की राह हमवार कर दी आपके फ्यूचर में ऐसे केसेस के लिए कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसीजंस दो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। अब इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में देखो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट केसेस थे, उन डिफरेंट लॉज पास हुए थे, किसी पे भी असेंट नहीं थी, ठीक है। तो लोगों ने डिफरेंट कोर्ट्स में सेशन कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह में अपीलें दायर करना शुरू कर दी कि जिस जिस लॉ के तहत मुझे सज़ा मिली है, ठीक है, उस पर भी असेंट नहीं है तो वो लॉ ही सही नहीं है, जब वो लॉ सही नहीं है तो जो मुझे सज़ा मिल रही है वो भी ठीक नहीं है। और यही आपके पास हुआ यूसुफ पटेल केस में, कि यूसुफ पटेल को हुंडा एक्ट के तहत अंदर मतलब सलाखों के पीछे किया गया था, जेल में डाला गया था। अब हुंडा एक्ट पे असेंट था या नहीं था
हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आपको इस चीज़ के बारे में आई होप समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी तो मुझसे पूछ लेना, और कोई गलती होगी हो तो उसके लिए माजरत। खुश रहिए एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज़ वेल, स्टे ब्लेस्ड। और आपकी कोई अगर फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।